और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में, पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत बरस रही है। देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है, लगातार बारिश से पारा 5 डिग्री लुढ़क गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आशंका जताई है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है, देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, देहरादून में भी अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है वहां पर भी बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने चमोली, पिथौरागढ़ में भी आशंका जताई है, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, मैं अभी बता दूं आपको कि देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी ठीक यही स्थिति बनी हुई है, और पहाड़ों की स्थिति लगातार हम दिखा रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएं हैं, और जो नदी और नालों का जलस्तर है वो बहुत ज्यादा जो है लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 3 जिले जो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो अभी जारी किया है मौसम विभाग ने। उनका कहना है कि अभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो जहाँ लगातार जो बारिश का अलर्ट है, हम पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हैं कि लगातार ही उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है, और ऐसे में बड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन और इसके साथ ही रॉक फॉल्स और अगर नदी नालों की बात करें तो तीव्र वेग के साथ बह रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो आफत की बारिश है उससे फिलहाल निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो तकरीबन 5 डिग्री तापमान जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घटा है, और जो ठंड का एहसास है वो भी लोगों को होने लगा है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों पर आफत ही आफत बरस रही है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। राजधानी देहरादून में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, और बारिश के चलते पारा 5 डिग्री तक गिर गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत बरस रही है, देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है, लगातार बारिश से पारा 5 डिग्री लुढ़क गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आशंका जताई है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है, देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, देहरादून में भी अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है वहां पर भी बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने चमोली, पिथौरागढ़ में भी आशंका जताई है, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, मैं अभी बता दूं आपको कि देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी ठीक यही स्थिति बनी हुई है, और पहाड़ों की स्थिति लगातार हम दिखा रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएं हैं, और जो नदी और नालों का जलस्तर है वो बहुत ज्यादा जो है लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 3 जिले जो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो अभी जारी किया है मौसम विभाग ने। उनका कहना है कि अभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो जहाँ लगातार जो बारिश का अलर्ट है, हम पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हैं कि लगातार ही उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है, और ऐसे में बड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन और इसके साथ ही रॉक फॉल्स और अगर नदी नालों की बात करें तो तीव्र वेग के साथ बह रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो आफत की बारिश है उससे फिलहाल निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो तकरीबन 5 डिग्री तापमान जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घटा है, और जो ठंड का एहसास है वो भी लोगों को होने लगा है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों पर आफत ही आफत बरस रही है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। राजधानी देहरादून में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, और बारिश के चलते पारा 5 डिग्री तक गिर गया है।